वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ एक मुलाकात। आज हमारे सामने है मिस सुंदरी ठाकुर, जो कि नारी सम्मान संगठन की अध्यक्षा है। आज हम उनके साथ बात करने वाले हैं उनकी एनजीओ की, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो करती हैं जो उनको बाकी एनजीओ से अलग करता है। सो वेलकम टू दिस शो मिस ठाकुर, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने एनजीओ किस तरह से स्टार्ट किया और अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैंने कभी बचपन में कुछ ऐसा फेस नहीं किया, कुछ गरीबी नहीं देखी। मैं बहुत अच्छे वेल परिवार से रही हूँ, दिल्ली से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद शादी होके बॉम्बे आए, शुरू से मेरा बिजनेस माइंड रहा है। मैं बिल्डर्स भी रह चुकी हूँ, काफी सारे काम भी किए हैं, फिर बुटीक खोला है जहाँ मैं इस वक्त बैठी हूँ। जो मेरी ऑफिस है, यहाँ पहले बुटीक था, इन 4-5 मंथ्स में मैंने बुटीक क्लोज कर दिया। अच्छा खासा मैं कमाती थी, ओनली ब्राइडल कपड़े रहते थे, 20,000-25,000 से कोई चीज कम नहीं रहती थी। उसके बाद फिर मैंने ये एनजीओ चालू किया प्रॉपर। पहले करती थी सोशल वर्क, जस्ट ऐसे कोई मिला, ओके अच्छा नहीं हो रहा मैं बोल देती हूँ आप जाओ, बट ऐसे कभी खुल के नहीं किया। फिर मैंने एनजीओ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अगर फैक्ट है, वो जेंट्स हो, लेडीज हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चों के लिए होना चाहिए, वाकई इसे जरूरत है मेरी, मैं वो चीज के लिए रात के 2 बजे भी जाऊंगी। फैक्ट नहीं है, मैं उसका साथ नहीं दूंगी। इसलिए मैं पुलिस से नड़ती हूँ, क्योंकि फैक्ट रहता और वो जानते हैं और वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी वजह से अगर तकलीफें दूर होती हैं उनकी, उन्हें मुझसे कुछ राहत मिलती है, तो उनकी जो ब्लेसिंग मिलती है ना, उनका एक अलग ही इफेक्ट रहता है। तो मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं चैलेंज वाले काम बहुत ज्यादा करती हूँ। कि कोई मेरे पास आए, उसने कहा मैं पुलिस के पास 1 साल से जा रही हूँ, पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया, उसको मैं चैलेंज से करूँ, और वो मैं करके रहती हूँ। क्योंकि मुझे पता चल जाता है वो 1 साल से अगर पुलिस के पास जा रहा है, उसकी कहीं तो कोई सच्चाई है। मैं सामने जरूर लाके रहती हूँ, आपकी पुलिस नहीं सुन रही है, तो मेरा काम आपको यहाँ से पुलिस के पास ले जाने का है और उसको कायदे से काम कराने का है। और उसमें क्या कायदा बैठता है वो पुलिस, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करती। हाँ, अगर देख लेती हूँ कुछ गलत है, उसमें सेक्शन बराबर नहीं, सर ये ऐसे नहीं, इतना ज्यादा होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उनसे कभी ऐसा होता है तो वो पूरा भी करते हैं, नहीं तो अगर वो बायलॉज में ऐसा है, मुझे दिखाते भी हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो मिस ठाकुर, आपका प्रोफेशन बहुत ही चैलेंजिंग है, और इतना जो आप महिलाओं के लिए करती हैं, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपको फाइनेंसेस या आप चार्जेस किस तरह से लेती हैं अपने क्लाइंट से? एक्चुअली फ्रैंक में बोलूं, 3 साल तो मैंने नो चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उसमें हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे खाना खाने तक की लोग फुर्सत नहीं देते थे। टाइम पास किसी को करना है, एडवाइस लेनी है, लेके वापस आने का नहीं, मुझे काम पे लगा के निकल जाने का। उसकी वजह से हार्डली ये कोई 1 ईयर हुआ है, मैंने एक नॉमिनल फीस रखी है, वो भी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मैं चार्ज करती हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ऑटो भाड़ा भी देती हूँ, खाने पीने को भी देती हूँ, बिहार से आया और यूपी से आया उसको टिकट भी निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस पे निर्भर नहीं हूँ। ये मुझे शौक है करने का। मेरे घर में भी बहुत शाउट होता है कि ये क्या लगा रखा है, इतने दुश्मन बन जाते हैं, कोई होर्डिंग काट देता है आपकी, कोई कुछ कर देता है, आप 2 बजे गाड़ी लेके फोन कोई कर देता है, आप चले जाते हो बिंदास। मेरे को ऐसा लगता है, मैं घर में भी वो ही बोलती हूँ, देखो भाई मैंने अभी अपना प्रोफेशनल मतलब एक शौक और अपनी एक मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए किया है, उसमें मेरे को किसी से नहीं डरना, ये मेरा उसूल रहा है। किसी पे गलत एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि मेरे यहाँ आके एलिगेशन आप गलत लगाइए, प्रूव आपको करना है आगे कोर्ट में, वहां जब सवाल जवाब आपके होने, मेरे सवाल जवाब सिर्फ यहीं तक रहने हैं, वो आप सोचिए। अगर चैलेंजिंग है आप आइए मेरे पास, पुलिस नहीं सुन रही है, पड़ोसी आपको तकलीफ दे रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप मेरे पास आइए, मैं आपका करूंगी, बिल्कुल करूंगी, और मन से करूंगी। रात को 2 बजे भी आपको मेरी रिक्वायरमेंट हुई, मैं नींद में सो के आऊंगी, मगर गलत का साथ ना मैं दूंगी
ना मैं सोचती हूँ इस चीज के बारे में। बहुत दुश्मन है मेरे, बहुत लोग कुछ बोलते हैं वहां मत जाना, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो पैसे लेती है। अरे पैसे अगर मैं लू ना तो इधर लोग मुझे बंच बना बना के बैठ के देखे जाए, वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे। अगर पैसे देंगे ना वो जेल के अंदर नहीं जाएंगे, मैं अगर ले लू तो वो जेल के अंदर जाते हैं, सब जगह बांटते हैं, यही आके लिमिट खत्म होती है उनकी। जो इतना कमाते हैं, जो मुझे लाख लाख दो दो लाख ऑफर कर रहे हैं, मैं 5 लाख कहूंगी तो 5 में से 2.5 में तो मारने वाली होगी, किसको बुरे लगते हैं? मैं क्यों करूंगी, किसके लिए करूंगी? मेरे बच्चों की 2.5 लाख पगार है, वो बोलता है मुझे महीने का खर्चा नहीं परवड़ता है। वो 2.5 लाख रुपए का उसका महीने का खर्चा है तो मैं किसके लिए कमाऊंगी, क्यों कमाऊंगी? मैं पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट पहले भी कर चुकी हूँ, आज मीडिया के माध्यम से भी यही चीज कहना चाहती हूँ कि सुंदरी ठाकुर को मत जानिए। सभी लोगों को एक सुंदरी में कन्वर्ट करके जो भी महिलाएं आपके पास आती हैं, आप उस नजरिए से उनको देखिए, थोड़ा उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे क्यों उनके लिए फील आता है कि मैं उनकी पूरी स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे उनका दर्द महसूस होता है कि इन्हें कितनी तकलीफ है। तो अगर उसमें से हमारी पुलिस प्रशासन 25% भी बैठ के सुन ले ना तो शायद उनको वापस नहीं भेजेगी। उनको दरवाजे पे आते काय झाला असं असं झालं ते तुमचा फॅमिली मॅटर आहे, तुम्ही कोर्ट मध्ये जा, तुम्ही बसा, तुम्ही सेटलमेंट करा, तुम्ही घरी जा। तो एक हवलदार इतना ऍटिट्यूड दिखाता है तो वो 3 स्टार के पास कैसे पहुंचेगा? उसकी तो स्टेंस वहीं खत्म हो जाती है कि एक हवलदार हमसे ऐसे बात कर रहा है, वो हमारा नहीं सुन रहा है तो इतना बड़ा अधिकारी हमसे कैसे बात करेगा और हम उसके पास कैसे पहुंचे? उसको तो वहां पहुंचने ही नहीं दिया जाता, पहुंचेगा तो जब जब वो हिम्मत कर पाएगा। हिम्मत करेगा भी कैसे, क्योंकि हिम्मत तो वो दरवाजे पे तोड़ दी जाती है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या, मैं ऑल इंडिया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ऑल पुलिस से, कि प्लीज एक बार कोशिश तो कीजिए। आपने महिलाएं पुलिस में कहते हैं कि हमने बहुत भर्ती की है, बिल्कुल अभी पुलिस स्टेशनों में आई हैं, लेकिन उनको थोड़े से कायदे कानून सिखाइए कि औरत की फीलिंग एक औरत नहीं समझेगी तो उसका प्रावधान कैसे होगा। जो नई महिलाएं आई हैं हमारी पुलिस अधिकारी, वो इस चीज से वंचित है। मैं तो ये मैंने ये अभी ऑब्जर्व किया है, काफी टाइम से कर रही हूँ पर अभी कहने लगी हूँ कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन मुझे नजर आती है। अगर एक औरत औरत को सपोर्ट करे तो ये आज नौबत नहीं आएगी। तो सुंदरी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका समाज के लिए और हमारे युवा वर्ग के लिए क्या संदेश है? आजकल की जो जनरेशन है ऑल ओवर, वो जनरेशन फ्रीडम बहुत ज्यादा चाहती है, जैसे हमने अपने पेरेंट्स के लिए किया, हमसे पहले जिन्होंने किया। आज की जनरेशन बिल्कुल नहीं चाहती कि पेरेंट्स साथ में रहें, उनके किसी चीज़ में खलल पैदा हो, वो 2 बजे आए 4 बजे आए उनको कोई पूछने वाला ना हो। तो इसलिए आज जो माहौल पैदा हुआ है ना, रोज जो नई दामिनी बन रही हैं, जो आज बलात्कार हो रहे हैं, जो वो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो पेरेंट्स कभी उनमें इन्वॉल्व ही नहीं हुए, उन्होंने उनको कभी ये रास्ता बताया नहीं। बच्चे तो उस जमाने में भी चाहते थे कि पेरेंट्स नहीं बोले, लेकिन बताने का और समझाने का सिस्टम भी होता है।